रमैनी 8, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना, याज्ञवल्क और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा, वो ही बात राम वशिष्ठ मिलि गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समुझाई, वो ही बात जो जनक डढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। इस रमैनी में सदगुरु कबीर अद्वैत ब्रह्मवाद पर तर्क करते हैं और कहते हैं तत्त्वमसि इनके उपदेशा, वह तू है, यह इन लोगों का उपदेश है। ई उपनिषद कहे संदेशा, और ये जो उपनिषदे हैं इसी तत्त्वमसि का संदेश देती हैं। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि में तीन पद हैं, तीन खंड हैं। तत् त्वम असि, तत् वह, त्वम तुम, असि है हो, वह तुम हो। जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को तुम खोजते हो वह तुम हो। तत्, तत् का अर्थ होता है सार, सत, तत्व। तो इस अर्थ में होगा कि तत् त्वम असि, तत् सत्य, त्वम तू, असि है, तू सत्य है, तू सार तत्व है। तो यही बात तो कबीर साहब भी कहते हैं कि जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को तुम बाहर खोजते हो वह बाहर नहीं है किंतु तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम स्वयं हो। कबीर साहब का संदेश ही इसी के लिए है पूरा का पूरा। तब फिर साहब के यहां क्यों कहते हैं कि तत्त्वमसि इनके उपदेशा, साहब ये ऐसा क्यों नहीं कहते तत्त्वमसि मेरा उपदेशा, जब साहब वही संदेश कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म परमात्मा मोक्ष सुख शांति खोजते हो वह तुम हो। तो ऐसा कह सकते थे कि मेरा उपदेश है, लेकिन साहब कहते नहीं, इनके उपदेशा, ये तत्त्वमसि इन लोगों को उपदेश है, ये मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरा संदेश नहीं है। क्यों ऐसा साहब कहते हैं? वसुतः तत्त्वमसि वह तू है, ये तो ठीक, लेकिन तत्त्व वह तू है, तू की व्याख्या करते करते एक कह लिया गया कि वह जिस ब्रह्म को तुम खोजते वह तुम हो। फिर कह दिया गया कि तुम चांद हो, तुम सूर्य हो, तुम धरती हो, तुम आकाश हो, तुम पानी हो, तुम पवन हो, सब कुछ तुम ही हो। साहब कहते तब भी ये मेरी बात नहीं है, ये इन लोगों की बात है। साहब कहते मैं तो ये कहता हूं कि मिट्टी पानी आग हवा ये अलग, और तुम चेतन इन जड़ तत्वों से अलग। और यहां जब तत्त्वमसि की व्याख्या की, साहब जहां कहते हैं ई उपनिषद कहे संदेश है कि उपनिषद संदेश कहती है, वहां पर यही कहा गया है।
श्वेत केतु को उनके पिता उद्दालक ने छांदोग्य उपनिषद में इसी तत्वमसी का लंबे ढंग से उपन से संदेश दिया है। तत्वमसी ने श्वेत केतु उद्दालक ऋषि का पुत्र था। 12 वर्ष की उम्र तक वह पढ़ने लिखने पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, खाता था, पीता था, घूमता था, पढ़ाई लिखाई पर कोई उसका ध्यान नहीं था। तब उद्दालक ने कहा, बेटा हमारे कुल में आज तक कोई ब्राह्मण बंधु पैदा नहीं हुआ है। ब्राह्मण बंधु जो ब्राह्मण ना खाली ब्राह्मण का भाई हो, व्यंग है। ब्राह्मण बंधु किसी को व्यंग में कहा जाता है कि ब्राह्मण का गुण लक्षण कुछ भी नहीं है, खाली ब्राह्मण कहलाता है। तो उसे अदालत कहता है कि बेटा हमारे कुल में आज तक कोई ब्राह्मण बंधु पैदा नहीं हुआ था, अब तुम वैसे हो रहे हो, अध्ययन मनन कुछ नहीं है। समझाया, डांटा। तब श्वेत केतु पढ़ने गया किसी गुरु के पास और 12 बरस वहां रहकर खूब पढ़ा लिखा। 12 बरस में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। तब 24 वर्ष की उम्र होने पर जब अपने पिता के पास आए और पिता के पास आए तो नमस्कार भी नहीं कि बस ऐसे आकर खड़े हो गया। पर चीज जैसे दालक ने कहा, देखा ये तो और उल्टा हो गया, इतना महाअहंकारी होकर के आया ही है। तो वो समझाता भी है और फिर तब वो समझाया है आगे इस तत्व से उपदेश कि बेटा जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या तुम उसको जानते हो? तो कहते पिताजी तब मैं तो उसको नहीं जानता। बस फिर इसका आधार बनाकर उद्दालक ने श्वेत केतु को तत्वमसी का उपदेश दिया है। 26 छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक, हम कह सकते हैं 7वां अध्याय कह लीजिए आप, हम लोग उसने प्रपाठक कहा गया, अध्याय नहीं कहा गया है। 7वें प्रपाठक के 26 खंड में विस्तार पूर्वक इसे समझाया गया है। नहीं, ये 6ठे प्रपाठक में आया है। 7वें प्रपाठक में तो सनत कुमार और नारद का संवाद है। 6ठे प्रपाठक के 16 खंडों में उद्दालक ने इसे समझाया है और कहा है, तत्त्वमसी श्वेत केतु स आत्मा तत्त्वमसी श्वेत केतु कि हे श्वेत केतु, वह आत्मा तू ही है, वह आत्मा तू ही है। बात अच्छी है लेकिन कह दिया गया है कि तू ही आत्मा है और तू ही सर्वत्र व्याप्त है। जैसे एक गिलास पानी में हम चुटकी भर नमक डाल दें तो नमक घुल करके पूरे पानी में फैल जाता है, पानी के ऊपरी हिस्से को चखें तो खारा लगेगा, एक अंगुल नीचे पानी को चखें तो खारा लगेगा, पानी गिलास के बीच के पानी को चखें तो खारा लगेगा, गिलास के तलहटी में जो पानी है उसको चखें तो खारा लगेगा, ऊपर से नीचे तक तो नमक घुल गया, पानी खारा खारा हो गया है। ऐसे ही संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जो आत्मा से खाली हो, सर्वत्र आत्मा संसार में व्याप्त है। और हे केतु तत्त्वमसी, वह आत्मा तू ही है। साहब कहते तब ये इन लोगों की बात है, ये मेरी बात नहीं है, फिर मैं ऐसा नहीं कहता। तो तत्त्वमसी इनके उपदेश उपनिषद के हैं संदेश। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तत्त्वमसी वह तू है, वह आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, जड़ चेतन सब मिश्रित, यह इन लोगों की बात है। और उपनिषद उसी का संदेश देती हैं। इसी छांदोग्य उपनिषद में ही
नारद ने जो प्रश्न किया था सनत कुमार से कि भगवान मैं शोक करता हूं और मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि जो तत्ववेत्ता हो जाता है वह शोक से पार हो जाता है, मैं शोक करता हूं इसलिए मुझे उस तत्व का उपदेश दें जिसको जान लेने पर मैं शोक से पार हो जाऊं। तब 26 खंडों में सनत कुमार ने नारद को समझाया है और कहा है कि नारद तुम क्या जानते हो। नारद ने एक लंबी सूची प्रस्तुत की है। तब कहा नारद तुम तो मंत्रवेत्ता हो, खाली तुम मंत्र को जानते हो, शब्दों को जानते हो। फिर आगे आगे कहते 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 अंत में कहा है नारद यो वे भूमा तो सुखम नाल्वे सुखमस्त, जो भूमा है उसमें सुख है, अल्प में सुख नहीं है। और भूमा आदि में है, अंत में है, मध्य में है, सर्वत्र है। फिर गड़बड़ा दिया गया अंत में जाकर के तो निरतिशय भूमा करता है जो सबका आधार हो, अनंत हो, सत्य हो, वह भूमा है। सबका आधार क्या है? ये आत्मा ही सबका आधार है, क्योंकि ये अल्प नहीं है, ये घटने वाले वाला नहीं है। संसार का सारा भोग घटने बढ़ने वाला है। बात यहां तक ठीक है, लेकिन कह देना कि तू ही चांद है, तू ही सूरज है, तू धरती आकाश पेड़ पहाड़ पत्थर नदी नाला तू ही सब कुछ है और सर्वत्र तू व्याप्त है, तब आपको तो ये इनके उपदेश है। आत्मा की व्याख्या में उपनिषदों में गड़बड़ी कर दी गई है। उपनिषद आत्मा की व्याख्या करते हैं, वो भी अप्रोक्ष आत्मा की, लेकिन उसकी व्याख्या करते करते उसे सर्वत्र व्यापक कर दिया जाता है। वो समय ऐसा लगता है जिस समय उपनिषदों का निर्माण हुआ आत्मा को व्यापक कहने की परिपाटी थी, इसलिए सभी लोगों से कहते गए। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने एक आत्मा का खंडन किया, कहा है पुरुष बहुत्वम सिद्धम। पुरुष सांख्य दर्शन में आत्मा नहीं कहा गया है, जीव चेतन नहीं, कहीं भी नहीं कहा गया है, पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। और कहा गया है पुरुष बहुत्वम सिद्धम, जनन मरण करनाणाम अयुपत प्रवित्तेश त्रैगुण्य विपर्याच्य पुरुष बहुत्वम सिद्धम। एक सांख्य दर्शन सांख्यार्का का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके बाद बना महर्षि कपिल का वैशेषिक दर्शन। तो महर्षि कपिल ने महर्षि कनाद का वैशेषिक दर्शन बना। तो महर्षि कनाद ने पुरुषों को आत्मा को अनेक तो माना लेकिन व्यापक कह दिया। उसके पहले कपिल ने व्यापक नहीं कहा, एक दिशी कहा, लेकिन कनाद ने जब बनाया तो फिर शुरू हो गया उसका प्रचलन पुरुष व्यापक है। तो उन्होंने अनेक पुरुष माना लेकिन व्यापक कह दिया। अब वो ऊपर पार्टी चल पड़ी, उसके आ गई है। तो जब सर्वत्र व्यापक आत्मा कह दिया जाता है, क्या वो कहते थे कि जड़ चेतन सब कुछ वही है, तब साहब कहते ये मेरा उपदेश नहीं है, ये इन लोगों का उपदेश है, ये इन लोगों की बात है। आगे इसमें ही बीजक में साहब ने खूब खुल करके इनका जगह जगह का खंडन किया है। जो पे बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछो आन, और बुझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी घूरी घूरी बरसा बरसावे परिया बुंदना पानी, और भी अनेक जगह साहब ने इसका खंडन किया है। इनसे इनके बड़ भारी वाहिक वर्णन करें अधिकारी। और साहब कहते हैं यहां पर साहब का बड़ा यहां भी व्यंग है, इनसे इनके भारी, इन लोगों का बड़ा भारी निश्चय है यही कि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, सब कुछ वही है। वाहिक वर्णन करें अधिकारी, जब कोई अधिकारी सब पात्र मिल जाता है तब उसी अद्वैत
आत्मा का लोग वर्णन करते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम आत्मा हो और सर्वत्र व्याप्त हो। मैं आत्मा हूं बात समझ में आती है, लेकिन मैं सर्वत्र व्यापक हूं किसी को यह अनुभव नहीं है। सारी उदाहरण देते हैं ना कि एक अभी इलाहाबाद या कहीं की बात है, एक सन्यासी ऐसे आ रहे थे, मैं कोई मेला का समय रहा है तो ऐसे ही सन्यासी सड़क से चलते हुए आ रहे थे। इधर से एक सज्जन गए, जन प्रणाम किया, रुके तो कहे स्वामी जी आप कहां रहते हैं, कहां से आ रहे हैं? तो रुक गए और रुक करके चारों तरफ देखे, फिर कहा ये पूछो कि मैं कहां नहीं रहता हूं। अरे सर्वत्र तो मैं ही तो हूं, मेरा दूसरा है कौन? जब आपका दूसरा है तो फिर आप रास्ते में क्यों चल रहे हो? फिर तो ये शास्त्रों में कह दिया गया है, उसे मान लिया गया। इसलिए हमारे पारखी संत कहते हैं ये सन्यासियों का जो ब्रह्म ज्ञान है ये होंठ का ज्ञान है, केवल होंठ तक ही रहता है, बस अंदर तक नहीं रहता। केवल जबान कहती है कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन अनुभव किसी का नहीं है। अपने को सर्वत्र व्यापक मानने वाले सन्यासी गण, स्वामी गण, स्वामी लोग अपने शिष्यों का हाल टेलीफोन करके पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है सर? अरे व्यापक हो, वहां कहां नहीं हूं, यहां वहां जहां जहां मत पूछो कहां कहां, तुम्हें तो सर्वत्र हो ही, तब टेलीफोन करने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े सन्यासियों की जेब में अब आजकल हो गया मोबाइल, व्यापक है ना सर्वत्र, तो वो भी व्यापक हो गया है मोबाइल भी। तो ये कोई कहना कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं, और दूसरी ओर पत्र लिख करके टेलीफोन कर समाचार पूछना, दोनों जो विरोध है। तो साहब कहते हैं वाहिक वर्णन का अधिकारी ये, उसी जब कोई इनका अधिकारी वैसा मिल जाता सत्पात्र तो उसे अद्वैत ब्रह्मवाद का ही वर्णन करते हैं। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद शुक माना, यही इनका प्रमाणिक परम तत्व है कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं और मेरे अलावा कुछ नहीं है। जड़ चेतन जो कुछ दिखाई पड़ता है सब मैं ही हूं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, सुखदेव सबने इसी सिद्धांत को ही माना है। याज्ञवल्क अजन संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा, वृदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क को नहीं, याज्ञवल्क ने जनक को इसी अद्वैत ब्रह्मवाद का उपदेश दिया है। दत्तात्रेय वही रसवादा, भागवत पुराण के अनुसार दत्तात्रेय ने इसी अद्वैत ब्रह्मवाद का रसस्वादन किया है। वो ही बात राम वशिष्ठ मिली गई और इसी ब्रह्मवाद की बात को वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में राम को उपदेश दिया है और कहा कि राम तू ही है सब कुछ। वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई और इसी बात को भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने उद्धव को समझाया है और कहा गया कि उद्धव विश्वमेकात्मकम पश्यन्, सर्वत विश्व में एक आत्मा को देखो, सर्वत अद्वैत दृष्टि रखो, इस प्रकार से समझाया। वो ही बाल योजना चढ़ाई, दे धरे वि दे कहाई, याज्ञवल्क और अष्टावक्र दोनों के नाम आते हैं। तो याज्ञवल्क और अष्टावक्र ने राजा जनक को इस ब्रह्मवाद का, इस अद्वैत ब्रह्म का, तत्वमसी का उपदेश इतनी अच्छी तरह से समझा दिया और उसके मन में इतना दृढ़ कर दिया गया
कि जनक देह रहते रहते विदेह कहलाने लग गए। लेकिन साहब कहते हैं कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ ना होए, खाली कुल की मर्यादा छोड़ देने से कोई जीते जी मुर्दा नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं शरीर जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा से शरीर बना हुआ है, बदल रहा है, एक दिन सड़ जाएगा, मैं चेतन आत्मा हूं, इसे सर्वथा अलग हूं। एक ऐसा ऐसा जान ले और ले मात्र से, और मुझ में कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, तो कोई मुर्दा हो जाएगा कहने वाला। आत्मतत्व का बोध, इस बोध में मस्त रहना, ये अलग है। लेकिन आत्मबोध हो जाने के पश्चात कोई मुर्दा नहीं हो जाएगा, किसी को भाने नहीं हो जाएगा, ऐसा साहब इसलिए कहते हैं। अद्वैत ब्रह्मवाद की जो सात भूमिकाएं मानी गई है, सुलीन गतागत छिप्रा, सुलीन गतागत अभाव, सुलीन गतागत अभाव छिप्रा और सौलिष्टता, इस बार से मानी गई। उसमें आगे भी कल वो बता रहे थे साध्वी ज्ञानानंद की पदार्था भावना और तुरियगा, पांच भूमिकाओं तक शायद इसमें भी शायद ने दिया होगा। विचारना तुनमांसा करके ये आया है, शुभेच्छा विचारना तुनमांसा सत्तपति असंशक्ति पदार्था भावना और तुरियगा, ये सात भूमिकाएं हैं ब्रह्मवाद की। तो शुभेच्छा विचारना तुनमांसा तुनमांसा सत्तपति और असंशक्ति, यहां तक तो ठीक है। यहां जो ये पांच भूमिकाएं शुरू की, ये तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसके आगे छठी और सातवीं भूमिका पदार्था भावना और तुरियगा ने अतिशयोक्ति कर डाली गई है। छठी भूमिका में पहुंचने पर कुछ भान नहीं रहता, मुर्दा तरीके हो जाता है। और सातवीं में बिल्कुल शरीर मुर्दा ही हो गया समझ लो, उसे चाहे कितना हिलाओ डुलाओ, उसके ऊपर कोई इसको शरीर को काटो पीटो तो भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं वो कुंभकर्ण को जब जगाने गए तो उसको खूब पीटो पीट गया, कुछ किया गया, तो हो सकता है ये भूमिका में वो लोग बैठे रहे होंगे, होंगे तभी तो नहीं जाके पीटे, कुछ हुआ। तो ये कि पदार्थ भावना जाकर के बस फर्क इतना होता है कि मुर्दे में श्वास नहीं चलता, उसमें क्या श्वास चलता रहता है, लेकिन चाहे उसे खूब हिलाओ डुलाओ, उसके शरीर को मारो पीटो, उस स्थिति में पहुंच गया तो कुछ ज्ञान नहीं रहता है। साहब कहते हैं जीवत मुआ ना होगी, जीते जी कोई मुर्दा नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई ब्रह्मवाद क्लोरोफार्म नहीं है कि कोई इसी बात से ज्ञान हो गया तो एकदम वो ऐसा पहुंच गया तो बिल्कुल जैसे क्लोरो फार्म सिखा दो एकदम मुर्दा हुआ शरीर को, उसे काटो पीटो उसको एक दर्द नहीं होता है, तो ऐसा नहीं ही है। कोई जो जितने हैं उसकी उतनी व्याख्या करनी चाहिए। ध्यान में चले गए, संकल्प शून्य हो गए, बस आत्मस्तित्व मात्र रह गया, लेकिन थोड़े को मुर्दा हो गया शरीर में कोई कुछ काटे पीटे तो पता नहीं चलेगा, बाहर के बात सुनाई पड़ेगी और कुछ आएगा, वो सब अनुभव होगा, लेकिन उसका चिंतन नहीं किया जाता है। तो साहब कहते हैं कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, कुल की मर्यादा खो देने मात्र से कोई जीते जी मुर्दा नहीं हो जाएगा। देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए, जो देखते हुए भी नहीं देखता है, देखते हुए भी जो अनदेखा करता है उसी को ही अदृष्ट अंधा कहना चाहिए। हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं संसार अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन दोनों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी ये कहना कि मैं संसार और मैं एक ही हूं, संसार मुझसे अलग नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? ज्ञान कहा जाए कि अज्ञान कहा जाए? मुझसे अलग कुछ है जो मेरे लिए दुख का कारण बनता है, और उससे अलग हट करके ही मैं उस दुख से बच सकता हूं,
तभी तो मैं दुख से बचने के लिए साधना करूंगा। जब मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, सारा संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, तब किस दुख से छूटने के लिए, किसे छूटने के लिए ये विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, संयम, साधना, तपस्या, इन सब की आवश्यकता क्यों? इसलिए निर्मल साहब ने कहा है, बेस्या सती की गति एक चाही, कुछ है ही नहीं तो चाहे जो करो, फर्क क्या पड़ता है। साहब कहते ये तो देखते हुए भी अनदेखा कर देना है, जानते हुए भी अज्ञानी बन जाना है। यदि ये संसार मेरा स्वरूप होता, संसार और मैं दोनों एक होते, तो संसार मेरे लिए दुख का कारण न होता, बंधन का कारण न होता, क्योंकि किसी का स्वरूप उसके अपने लिए दुख का कारण नहीं होता है। और संसार मेरा स्वरूप है तो मेरे लिए दुख का कारण कैसे बनता? ऐसे संसार का त्याग कर ही तो मोक्ष लेना है, तो संसार त्याग कर मैं जाऊंगा कहां? संसार तो मेरा ही स्वरूप है, उसका त्याग कैसे होगा? इतनी सारी बातें कहते हुए भी, जानते हुए भी उसको अनजाना कर देना, न मानना, साहब कहते हैं ये तो देखते हुए भी अंधा बन जाने जैसा हो गया। ये केवल शास्त्र में लिख दिया गया, किसी बड़े पुरुष ने लिख दिया, बस अब एक बन गई परपाटी, अब नकारने की हिम्मत किसी में नहीं है। ब्रह्मादि लोग कहते हैं कि अहम एव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम, कि यह सब कुछ मैं ही हूं, तो मैं तो सब कहां से आ गया? सब कुछ मैं ही हूं, इसका मतलब यह है कि एक अंदर से मैं मान रहा हूं कि मुझके अलावा जरूर कुछ है, मैं ही हूं बस, सब कुछ मैं हूं कहने जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ नहीं कह रहा, उसका मतलब अंदर से पता चल रहा है कुछ मुझसे भी अलग है बाहर, नहीं तो सब कुछ नहीं कहा जाता। मैं ही हूं बस पर्याप्त है, सब कुछ कहने की क्या जरूरत? तो ये क्या है? ज्ञान का अतिरेक। अब ये अतिरेक सच्चा ज्ञान नहीं है, भटक जाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि तत्वमसी इनके जैसे, ये तत्वमसी अद्वैत ब्रह्म की बात, सब कुछ को एक मान लेना, ये मेरा उपदेश नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये इन ब्रह्मवादियों का उपदेश है, जिसका संदेश उपनिषदों में दिया गया है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जीव के स्वरूप में संसार नहीं है, स्वरूपता जीव असंग है, अद्वैत है, अकेला है, लेकिन संसार अपनी जगह पर तो है ही। एक चेतन दूसरे चेतन में कैसे मिलेगा? हर चेतन, जितने चेतन हैं सब अलग अलग हैं, और उनमें से कोई व्यापक नहीं है, क्योंकि एक की व्यापकता दूसरे के अस्तित्व में बाधक बनेगी। और चेतन केवल मैं नहीं हूं, मेरे जैसे असंख्य चेतन है, और जड़ तत्व है, जड़ तत्व में असंख्य परमाणु है, तो लेकिन ये सब मेरे स्वरूप में नहीं है। स्वरूपता जीव चेतन आत्मा असंग है, अद्वैत है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार खत्म हो गया, चेतन स्वरूप दृष्टि से संसार नहीं है, लेकिन संसार अपने क्षेत्र में जहां है वहां तो है ही। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना होगा, स्वीकार करें या न करें, तथ्य तो ऐसा है ही, हम माने या न माने, हमारे नहीं मानने से संसार खत्म नहीं हो जाएगा। अब मान ले संसार मेरा स्वरूप है, तो संसार चेतन नहीं हो जाएगा। जो जैसा है उसको वैसा हम माने, हाँ संसार अलग है, इस संसार के बंधन से ही हमें मोक्ष लेना है, लेकिन संसार को अब अपना को एक मान लेना, ये ज्ञान क्षेत्र में गड़बड़ी है। अब फिर घूम फिर करके
वहीं के वहीं पहुंच जाना है। इल्ले साहब कहते हैं जो जानते हुए भी अनजाना कर देता है वह विवेक का उपयोग नहीं करता है, और ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, लेकिन उपनिषदों में इसी ज्ञान बात का ज्ञान दिया गया है। साहब कहते हैं कि जड़ अलग चेतन अलग, और दोनों को अलग अलग समझ करके जड़ की आसक्ति त्याग कर अपने आप में स्थित होना है।